सर कोई बीटेक करके आ रहा सिविल में, या फिर सर हम में से मैं आर्किटेक्चर कर रहा हूँ सर बैचलर्स करने के बाद, तो सर क्या सर एक अप्लाई कैसे करा सर स्टूडेंट, अगर उसको बीम के अंदर जाना है, उसको बीम के बारे में सोचना चाह रहा है, तो कैसे इस फील्ड के अंदर जाएगा, कैसे अप्लाई करेगा, क्या तरीके हैं सर, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एक्सपीरियंस मांगता है, या ऐसी कोई कंपनी है जो बिना एक्सपीरियंस के ही ले लेती है? अगर लेट से मेरे पास से कोई एक्सपीरियंस नहीं है सर, मैं जीरो एक्सपीरियंस के साथ जा रहा हूँ, तो सर कंपनी मुझे क्या काम देगी सर? कि सर आपके हिसाब से क्या सर फ्यूचर है सर इंडिया में इस चीज़ का सर, बीम का? क्या आपको आने वाले समय के अंदर सर, आने वाले 5 साल 10 साल के अंदर क्या लगता है सर कि क्या ये इंडस्ट्री बूम करेगी? जैसे सर 2016 के अंदर सर जियो ने आके सर को एक खतरनाक सर इंटरनेट के अंदर बूम कर दिया सर, उसके बाद सर यूट्यूब वगैरह सब एकदम आसमान में पहुंच गए। बीम में जा क्यों रहे हैं भाई? मुझे बहुत ज़्यादा कमाना है, किसी को 1 लाख कमाने 2 लाख कमाने सर, इंडिया में क्या सैलरी है रहती है, इंडिया के बाहर क्या रहती है, सैलरी के बारे में कुछ बताओ सर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सर आज के जो व्यूअर्स को सर चाहते हैं सर ये चीज़। सो हेलो अभिषेक सर, कैसे हो आप? तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले BIM, ठीक है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग क्या होता है क्या नहीं होता। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं अभिषेक गुप्ता सर, जो कि हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो सर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं बीम क्या है। आज तक सर अपने इस चैनल के ऊपर मैंने सर आर्किटेक्चर के एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर ज़्यादा वीडियोज डाली है, गेट के ऊपर डाली, पर लेकिन पहली बार सर एक स्पेशल टॉपिक सर, आपकी जो रिक्वेस्ट थी सर कि आप स्टूडेंट की हेल्प करना चाहते हो, तो सर इस चीज़ के लिए सर आपकी सोच को सलाम है सर कि आप स्टूडेंट की आगे होकर हेल्प करना चाहते हो, बताना चाहते हो कि बीम का क्या फ्यूचर है, क्या सैलरी वगैरह वगैरह। तो आइए इस वीडियो के अंदर बात करते हैं कैसे क्या है बीम को, सर की जर्नी जानते हैं। सबसे पहले सर अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सर व्यूअर्स को, आपके बारे में बताएं। माय नेम इज अभिषेक एंड आई एम फ्रॉम यूपी, ओके, एंड आई हैव डन स्कूलिंग फ्रॉम माय विलेज इटसेल्फ, एंड आफ्टर दैट आई हैव डन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग एंड बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद बीम फ्रॉम WSP। WSP इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंसल्टिंग फर्म, and I worked there I think 2 years 2 months, and after that I joined ACOM, that is also USA based company, and I'm working here also from more than 1.5 years here in BIM field. Okay sir, matlab abhi jo aap sir currently job karo sir, aapko kitne saal ka experience ho gaya sir is industries mein aaye hue? I have experience 4 years, मतलब काम कर रहे हो तो सर आपको इस 4 साल इसी कंपनी में है, सर पहले भी आपने की काम किया है? नहीं, पहले मैंने एक WSP, दिस इज आल्सो कनाडा बेस्ड कंपनी, सो आई इवन आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर। ओके सर, मतलब आपको 2 साल का एक्सपीरियंस वहां है, उसके बाद सर आप यहां पर करंटली भी काम कर रहे हो, राइट? ओके सर, तो जानते सर आपकी जर्नी के बारे में सर, थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएं कि सर आपकी जर्नी क्या रही, मतलब आपने क्या बैचलर आपने सिविल में किया, तो सर आपने कब बैचलर किया, कितने साल में आपने कब पास आउट किया, और उसके बाद कब आपने मास्टर्स किया या डायरेक्ट इसमें, मतलब क्या सोचा आपने, क्या कैसे क्या आपकी जर्नी रही, थोड़ा सा वो सर एक्सप्लेन करें। सो एक्चुअली आफ्टर कंप्लीटिंग माय डिप्लोमा I was looking for the job, okay, so I applied a lot of jobs, so I mean for the skill and everything, like luck, I got the job, and that is one of the big company, okay, in BIM sector, so they offered me, but that time I don't know about the BIM, what is BIM and all, but yeah, in diploma itself I have learned some of the software like AutoCAD and Revit, okay, so I have that good knowledge, so I applied and they offered me like for interview, so I joined there and like I was selected in even during my diploma itself. So after just completing my exam, I joined that company. And after, I mean, getting experience, then I know about much more about the BIM, because in starting, I used to work on just only CAD software. And in between, like during my jobs, that there was lockdown, even started that time I started, before lockdown, I started working. So in that time, I already, apart from this job, I have taken admission in BTech itself. So during my journey of this job experience, I also completed my BTech. So I mean, even last year and this year, I completed my BTech itself. ओके ओके, मतलब सर आपने बीटेक करते समय ही सर ये चीज सोच ली थी सर कि मुझे सर, सर आपने सर अप्लाई कर दिया, और सर आपको मतलब बेसिकली बोलने मतलब कि रेविट वगैरह सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़ा सा आपने सीख के जो इंटरेस्ट सर आपने अप्लाई किया और सर आपका इंटरव्यू के साथ नंबर आ गया, ठीक है, राइट, यही चीज है ना। फिर सर आपने जल्दी सर इस चीज को सर किया, सर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर बीटेक के बाद मास्टर्स करते हैं या फिर नहीं करते, तो बहुत सालों बाद इसके बारे में सोचते हैं क्योंकि सर उनको नॉलेज ही नहीं इतना ज्यादा, सर बीम के बारे में इतनी ज्यादा अवेयरनेस ही नहीं सर। खैर, नेक्स्ट बात करते हैं सर, एक्चुअली में अब आते हैं सर मेन मुद्दे के ऊपर कि सर बीम क्या है सर, व्हाट इज बीम, और बीम सर क्यों सर, मतलब बीम ही क्यों इंडिया में सर, बीम ही क्या है, मतलब क्या राज है सर बीम का, सर क्या होता है बीम, वो सर आप एक्सप्लेन करें सर। सो बीम, बहुत लोग बीम के बारे में जानते हैं, बीम बीम मींस रिबिट, ओके, सो बीम इज नॉट रिबिट, ओके, बीम इज अ प्रोसेस लाइक मैनेजिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन, ओके, सो बेसिकली बीम हम इसी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमें कोई सपोज दैट एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, ओके, तो जैसे हमारे गांव में क्या होता है कि ऐसे बिल्डिंग कुछ भी कोई हाथ से स्केच बना दिया, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग बना देते हैं, और फिर पता चलता है कि इधर पाइप नहीं गया, तो ये गेट है, डोर यहाँ पे रहती, ये विंडो यहाँ पे रहती,
So that we got a lot of problem, okay, after completing this. So if we use BIMlog, like we can create 3D model, okay, and like all discipline, like civil, architecture, MEP, all discipline, I mean, work in one coordinate, okay. So what we do, like एक जगह पे मतलब सब लोग काम करते हैं, तो इसके वजह से क्या होता है ना, कोई प्रॉब्लम इन फ्यूचर में नहीं क्रिएट होती, ठीक। और सारा प्रोसेस हम 3D में पहले ही विजुलाइज कर लेते हैं, क्या अगर हमारी कुछ डिमांड है, क्लाइंट की कुछ डिमांड है, तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं उसमें इन सॉफ्टवेयर, लाइक बिफोर कम्प्लीटिंग आई मीन ऑन साइट दैट वर्क वी ऑलरेडी नो, या दिस हियर इज द रूम, हियर इज द बाथरूम, हियर इज ऑल द थिंग्स, नॉट ओनली फॉर बिल्डिंग, वी यूज फॉर ब्रिजेस, आई मीन for railways, for metros, we are in all field we do. So yeah, that is it. ओके सर, मतलब बेसिकली बोलने का मतलब ये कि बिम मतलब क्या, एक 3D है जिसके अंदर सर हर एक डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है सब है सर उसके अंदर, एक जीरो से लेकर टॉप तक बिल्डिंग कैसे बन रही है हर चीज की डिटेल उसमें है सर, इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग, मैकेनिकल, सब 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 सब। ओके सर, और मतलब जैसे, हाँ सर आपने बिल्कुल सही बोला सर, हम गांव या शहरों में बिल्डिंग बनाते हैं सर, 2D के अंदर पता नहीं चलता सर, कभी कोई डक्ट निकाली हो, कहाँ बीम आ गई, तो सर वहाँ पर उसको अंदर होल करना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर आपसे मैं बोलना चाहूंगा सर, तो ये पर्सनल क्वेश्चन है कि सर आपको क्या वो एक चीज जो सर बीम की तरह आपको खींच कर ले गई, आपको क्या सर, क्या वो सैलरी थी, आपको क्या सर ऐसा दिख गया सर बीम के, नहीं मुझे करनी तो बीम, मतलब उसमें क्या था सर, वो थोड़ा एक्सप्लेन करें सर। सो आई वुड लाइक टेल यू, लाइक इवन स्टार्टिंग माय डिप्लोमा आई डोंट नो अबाउट बीम, ओके, एंड लाइक शुरू में मुझे ये था कि सिविल इंजीनियरिंग करनी है, तो मैं जब हाई स्कूल में था फिर ये एंट्रेंस एग्जाम यूपी का था, पॉलिटेक्निक का, तो मैंने एग्जाम दिया, ओके, आफ्टर दैट आई गॉट एडमिशन, मुझे ये कुछ नहीं था कि हाँ इसमें, ये मुझे पता था हाँ डिजाइनिंग कुछ वर्क होता है जो ऑफिस वर्क होता है, दैट आई नो, ओके। सो ड्यूरिंग माई लाइक इन डिप्लोमा मैं जहाँ रहता था ना, वहाँ पे एक रहते थे भैया, ठीक, तो बट ही इज फ्रॉम आई मीन सी एस बैकग्राउंड, सो ही आस्क्ड मी लाइक व्हाट इज आई मीन आफ्टर कम्प्लीटिंग डिप्लोमा व्हाट डू यू वांट, लाइक हाउ मच सैलरी यू वांट टू आई मीन गेट, आई टोल्ड देम लाइक 25K तो मिलेगा ये मंथ, तो ही टोल्ड मी दैट कि मतलब कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे हो तुम, मत ये वो बोले ना कि हम तुम्हें वो नहीं कर रहे हैं कि जैसे कि तुम्हें मिलेगा ही नहीं, डिमोटिवेट नहीं कर रहा है, तो हमने कहा, तो ही टोल्ड मी दैट कि ही हैज डन बीटेक, ओके, एंड ही टोल्ड मी दैट कि आई वाज स्टार्टेड फ्रॉम आई मीन 7 to 8, ओके, ही हैज डन बीटेक, और वो बोला है कि 7,000 से मैं स्टार्ट किया हूं, तो तुम तो डिप्लोमा कर रहे हो, कैसे स्टार्ट करोगे, तो मैंने कहा ठीक है, बट वो मुझे ये बोले ना कि देखो जो पढ़ाई कर रहे हो ना, दैट इज इम्पोर्टेंट, ओके, वी हैव टू डू ऑब्वियसली फॉर सर्टिफिकेशन एंड फॉर्म्स, लेकिन इसके साथ साथ ना अगर तुम स्किल सीख लिए, सो दैट विल बी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ओके। तो मैं उनका सुना, ठीक है, आई वाज इन फर्स्ट ईयर, ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग माय फर्स्ट ईयर आई स्टार्टेड लाइक सर्चिंग व्हाट स्किल्स आई कैन गेट टू लर्न, ओके, तो ऑटोकैड का नाम और उसकी बात सब सुने रहते हैं, हम भी सुने थे, तो फिर मैंने तभी मैंने कैड सेंटर से ऑटोकैड ज्वाइन कर लिया, ठीक, आफ्टर फर्स्ट ईयर कम्प्लीट होते ही, और मैंने वहाँ पे सीखा, तो आफ्टर जैसे कॉलेज खत्म होता था बच्चे घर चले जाते, तो आई वाज देयर, आई मीन लीव अलोन एंड आई गो टू द लॉन दिस सॉफ्टवेयर, ओके, एंड उसके बाद से मैंने वहाँ पे गेट सीखा, ठीक है, मुझे काफी इंटरेस्ट आया वैसे, तो मैंने कुछ ऐसे ऐसे स्केच बना के, जो नहीं आता है लेआउट प्लान बिल्डिंग का, तो शुरू में रेस्टोरेंट ये सब बनाया था, ये थोड़ा बेसिक आ गया था, तो ये है पूरे क्लास में, हाँ कोई अगर सॉफ्टवेयर जानता है तो अभी से after that done this and I apart from that I had joined like English communication because I was from Hindi medium so my English was not good that time so agar aap seekh rahe hai na to theek hai sab cheez jaroori hai communication itself also very important not only skill okay so maine wo bhi seekha fir last year mein jab main tha fir again main ek sir bol rahe the ki coaching tha to wahan pe bole ki ha hum bahut sakte hain rapid sikha rahe hain automatic sikha rahe hain balki main seekha tha autocad fir bhi main wahan pe ja ke join kar gaya theek एंड वहाँ पे मुझे अच्छे से रिवेट सीखना है ये है 3D मॉडल तो मैंने बस अपने पूरे मतलब डिप्लोमा में बस दो ही सॉफ्टवेयर सीखे थे एक ऑटोकैड एक रिवेट बट ये है मुझे अच्छे से आता था। ओके मतलब सर आप सबसे पहले किसी फ्रेंड से मिले जो कि कंप्यूटर साइंस की थी और उन्होंने आपको बताया कि सैलरी के बारे में, आपने बताया मुझे इतनी सैलरी चाहिए, वहाँ से सर कहीं ना कि मतलब एक दिमाग में सर कहीं हो गया कि हाँ उस चीज़ के ऊपर पहुँचना है और सर आपने फर्स्ट ईयर से ही सर ऑटोकैड वगैरह सब इंटरेस्ट आ गया और आपने रेविट सीख लिया वो से सर आपने अप्लाई कर दिया। ये चीज़ सर बहुत इंपॉर्टेंट है सर कि मैं हर एक स्टूडेंट को जो ये वीडियो देख रहा है स्टूडेंट हो चाहे आर्किटेक्ट हो चाहे वो फील्ड में आना चाह रहा है या फील्ड में आने की सोच रहा है ऑलरेडी फील्ड में है मैं बोलना चाहूँगा सर ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली कि जो भी आपको करना हो ना फर्स्ट ईयर से ही उस चीज़ के ऊपर ध्यान देने लग जाओ बिकॉज क्या है कि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर होते होते फिर ना तो प्लेसमेंट अगर हुआ तो नहीं हुआ उसके भरोसे रह जाते हैं उसके बाद फिर देखते हैं मास्टर्स करना है फिर वो एक ही ऑप्शन रहता है या तो गेट करो या फिर अगर घर का कोई बिजनेस हो तो वो करते हैं बट वो मुझे मिला भी मतलब मैं जो जितना एक्सेप्ट कर रहा था मुझे वो सैलरी भी मिली
बट ये होता है ना, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं ना कि चलो चलो अभी मजे कर लेते हैं, फिर इंजीनियरिंग के बाद से जो सीखना होगा भाई मजे करो, दैट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज ग्रेजुएशन तो फिर करनी नहीं, डिप्लोमा तो फिर करनी नहीं है, फिर स्टूडेंट लाइफ आएगी नहीं, वो करो, बट इसके साथ साथ अपनी एजुकेशन पे जो भी स्किल्स है ना, स्किल वेरी इंपॉर्टेंट। ये सर सही बात है सर, मतलब मजे भी करने पर लेकिन साथ में सर 2 से 3 घंटे एक स्किल के ऊपर भी दे दो तो सर मुझे लगता है कि सर आप 4 साल बाद कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे सर। बिल्कुल सही बात बोली सर आपने। नेक्स्ट सर बात करते हैं कि सर अब बीम के से तो जान लिया सर बीम होता क्या है, कि सर बीम के बारे में सब कुछ एक पूरी प्रॉपर सर बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन उनको बीम दे रहा है। नेक्स्ट सवाल ये कि सर बीम काम कैसे करता है, सर बीम की क्या वर्किंग है, सर क्या इसमें किस तरह से काम होता है सर, वो थोड़ा अभी बताएं सर। बिम जैसे कि ना शुरू में जैसे कि इसमें लेवल होते हैं ठीक, लाइक लेवल 0 होता है, लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है, लेवल 3 होता है ठीक। तो जैसे जितने भी लेवल लो होते हैं, जैसे लेवल लो में लाइक लेवल 0 है ओके, सो उसमें जितना कैड में काम होता है ठीक, और उसमें कोलैबोरेशन ज्यादा नहीं होता ठीक। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं ना, वैसे वैसे कोलैबोरेशन एंड ये सब बढ़ते रहता है, जैसे कि 2D 3D लेवल 1 में चला जाता है ठीक। तो इसमें क्या होता है ना, पार्शियल कोलैबोरेशन होती है, जैसे कि कुछ 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 लोग जैसे इसमें कोलाबरेट करते हैं, बट ये नहीं कि आर डिसिप्लिन इसमें कोलाबरेशन कर रहा है। ऐसे जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे 3D हो जाएगा, 4D आ जाएगा, 5D हो जाएगा, 6D, तो उसमें जैसे कि ये हो रहा है ना, जैसे जैसे लोग कोलाबरेशन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सपोज दैट लाइक हम 4D हो रहा है, 4D वी आर डूइंग ओके, तो इसमें थोड़ा ज्यादा कोलाबरेशन होता है, तो इसमें हम प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल भी पता कर सकते हैं, क्या टाइम लगेगा इसमें। फिर 5D आता है, फिर 6D आता है, तो इसमें हमें बजट भी पता चल जाएगा, क्या शेड्यूल होगा, कितने टाइम में कितना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो सकता है। आई मीन वी डू ऑल इन द वर्चुअल रियलिटी, बट साइट में कैसे कैसे कितना क्या काम होगा, कितने समय में कितना क्या होगा, इसका बजट क्या है, इसका शेड्यूलिंग क्या है। तो जैसे जैसे हम डायमेंशन में आगे बढ़ते जाते हैं 4D 5D, तो वी गेट टू लर्न ऑल द थिंग्स ओके। ओके मतलब कि सर सब कुछ सर इसमें लेवल्स में बेसिक मतलब लेवल्स में काम होता है, ये सर आप बताना चाह रहे हो कि लेवल 0 लेवल 1 2 3 ऐसे करके लेवल्स में काम होता है और हर एक डिजाइन को इंडिविजुअल लेवल के अंदर बांट दी गई है। जैसे लेवल 0 होगा आई थिंक लेवल 1 कॉन्सेप्ट होगा, लेवल 2 डिजाइन वगैरह जो आप बोलना चाह रहे हो, लेवल 4 5 चलते चलते ऐसा करके उसमें शेड्यूलिंग बजट और जब भी चीज है सब उसमें एड ऑन हो जाती है। ओके ओके सर डेफिनेटली बिल्कुल सही। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर आपने जैसे बोला कि सर आप अभी जस्ट जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था उसके अंदर आपने कहा कि सर आपको जो सैलरी चाहिए थी वो आपको मिली जो आपको चाहिए थी, ठीक है। पर मैं एग्जैक्ट सैलरी ऊपर आने से पहले आपको ये बोलना चाहता हूँ कि सर आपके हिसाब से क्या सर फ्यूचर है सर इंडिया में इस चीज का, सर बीम का क्या आपको आने वाले समय के अंदर सर आने वाले 5 साल 10 साल के अंदर क्या लगता है सर कि क्या ये इंडस्ट्री बूम करेगी? जैसे सर 2016 के अंदर सर जियो ने आके सर एक खतरनाक सर इंटरनेट के अंदर बूम कर दिया सर, उसके बाद सर यूट्यूब वगैरह सब एकदम आसमान में पहुंच गए। आपको क्या लगता है सर बीम के बारे में क्या होगा सर? एक्चुअली बिम का बेनिफिट बहुत है ठीक। जैसे कि अब इंडिया में काम होता है कि हाँ देखो एक एक बिल्ड कोई भी जैसे ब्रिज बन रहा है, कोई बिल्डिंग ही बन रहा है, पहले जाके बन जाएगा ठीक। अब बाद में जाएंगे लोग, अरे अरे ये तो प्रॉब्लम है, इसको थोड़ो थोड़ो हटाओ, फिर यहाँ पे बिम निकालनी थी हम तो छोड़ ही दिए ठीक। तो इससे बहुत सारी कॉस्टिंग होती है ठीक, आई मीन बहुत सारे पैसे वेस्ट होते हैं ठीक, और टाइम भी अलग ठीक। तो अगर हम बिम को यूज करेंगे ना, तो पहले हम क्लाइंट को दिखा सकते हैं कि हाँ देख लो ये ऐसे बनेगा, अगर आपको जरूरत है तो फिर हम इसको यूज कर सकते हैं। देखो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें बनती हैं वो कैसे पहले ही सेल कर देती है, सब बीम को यूज करते हैं पहले, व्हाट वे डू लाइक दे क्रिएट 3D मॉडल रेंडरिंग ऑल द थिंग्स इन दैट ओके बिल्डिंग, उसके बाद वो दिखाते हैं क्लाइंट को कि हां ऐसे ऐसे कुछ बनेगा ठीक। अगर आपको चाहिए तो उसमें वो कुछ उसको मॉडिफिकेशन कराना होता है तो वो मॉडिफिकेशन भी करा देता है ठीक। और लाइक अब सपोज दैट कि कोई बिल्डिंग बनाना दिखा दो कि आप यहाँ पे आप रहेंगे, यहाँ पे आपके बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ पे खेलेंगे, यहाँ पे पार्क रहेगा वगैरह वगैरह सब दिखा दिए हम क्लाइंट को, तो अब इसी बात तो वो खुश हो जाएगा, तभी ना हमें वो इजिली सारे देखते हो अभी बिल्डिंग बना ही नहीं, सारे पैसे सेल हो गए, उसी पैसे से वो कंस्ट्रक्ट कर दिया और उस पैसे से अच्छा सा कमाई हो गई उसके। तो बिम का फ्यूचर तो बहुत है इंडिया में ठीक है। इवन जो इंडिया की लाइक बजट है उसमें 1.5 बिलियन आई थिंक लाइक दैट वी यूज एंड गवर्नमेंट स्पेंड ऑन दैट, सो बहुत स्कोप है। और उससे पहली बात तो क्या, सपोज दैट अभी 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है ठीक, हम 1 लाख रुपए लगा देते हैं बिम में ठीक, सपोज 1 लाख रुपए उसको दिए बिम को, वो उसने मॉडल बना के दे दिया, अब पता चलता है अगर हम बीम यूज करेंगे तो हमें ये बेनिफिट है ठीक। नहीं तो अगर हम बीम वाले को नहीं यूज करते हैं, 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, सपोज दैट हम कुछ कंस्ट्रक्ट कर दिए, पता चला कि ये हाँ ये बीम यहाँ था, ये रूम यहाँ रहा था तो अच्छा रहा था, ये डोर यहाँ रहा था, तो फिर इसमें तोड़ो, फिर टाइम भी जाएगा, कुछ पैसे भी जो ऑलरेडी लगे हैं वो भी जाएंगे। अब बीम अगर हम यूज करेंगे तो ऑलरेडी मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे था, तो फिर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो काफी मतलब पैसे की बचत होती है, टाइम की बचत होती है, हर चीज से बेनिफिटेड है, तो बीम का तो इसको बहुत है इंडिया में। अभी ज्यादातर लोगों को नॉलेज नहीं है, और ऊपर से अभी इंडिया की ज्यादातर ना कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियां यूज नहीं करती हैं ठीक, अगर सब यूज करना स्टार्ट कर दे तो पूछो ही मत। और बट केरला केरला स्टेट है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दी है कि लाइक वी हैव टू लाइक इफ यू आर कंस्ट्रक्टिंग एनी बिल्डिंग और एनीथिंग एल्स यू हैव टू प्रोवाइड बीम ओके, देन यू कैन कंस्ट्रक्ट। तो हो सकता है इंडिया में भी या पूरे इंडिया में भी फ्यूचर में जरूर जरूर मैंडेटरी हो, बाकी यूके जैसे
इन सब कंट्रियों में तो मैंडेटरी है. इवन आई वर्क फॉर ओनली यूके एंड रिसेंटली आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर द स्वीडन. ओके ओके, मतलब सर इंडिया में सर धीरे धीरे लग रहा है कि सर फ्यूचर जरूर हो सकता है, क्योंकि सर आपने जैसे बोला कि केरला स्टेट में सब वहाँ पे कंपलसरी कर दिया है सर वहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट ने, ये तो सर बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है सर. इंडिया में अगर सर होगा सर डेफिनेटली सर अगर सब कंपनियाँ सर इसको यूज़ करने लग गया तो डेफिनेटली सर कहाँ से कहाँ कहानी पहुँच जाएगी. उस आपने बोला कि सर बीम के बिना जब अपन कोई एक करोड़ का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि सर बहुत सारी सर ऑन द साइड के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो वो सर बीम के अंदर नहीं देखने को मिलेगी. ये सर बहुत चीज़ बढ़िया आपने बताई, और बीम का सर यही डेफिनेटली फायदा है कि सर बिल्कुल आपने बोला कि सर ऑन द साइड के ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, पहले सर हमारे पास सब कुछ पता चल जाएगा कि यहाँ से ये चीज डक्ट जाएगी, यहाँ से बीम जाएगी, यहाँ से एक रूम आएगा, यहाँ ही आएगा, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है. सर कोई बीटेक करके आ रहा सिविल में या फिर सर हम मैसे में आर्किटेक्चर कर रहा हूँ सर बैचलर्स करने के बाद, तो सर क्या सर एक अप्लाई कैसे करा सर स्टूडेंट अगर उसको बीम के अंदर जाना है, उसको बीम के बारे में सोचना चाह रहा है तो कैसे इस फील्ड के अंदर जाएगा, कैसे अप्लाई करेगा, क्या तरीके हैं सर, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एक्सपीरियंस मांगता है, या ऐसी कोई कंपनी है जो बिना एक्सपीरियंस के ही ले लेती है, क्या कहानी सर इसको बताएं सर. देखो पहली बात तो मैंने भी स्टार्ट किया था तो बिना एक्सपीरियंस का ही स्टार्ट किया था, ठीक. आई हैव नेवर वर्क ऑन दैट, और वो भी अच्छी कंपनी से स्टार्ट किया, ठीक है. तो प्रेशर को तो हायर करती है, ये है ज्यादा नई कंपनियां हायर करती हैं लेकिन हायर तो करती हैं, ठीक. तो अगर उसमें आपको हायर वाले में आना है, लाइक इफ यू आर लाइक यू वांट टू कम इन दैट, सो डेफिनेटली यू हैव टू बिफोर दैट ना, बिफोर अप्लाइंग यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ. ओके, सो लाइक आफ्टर ड्यूरिंग योर एजुकेशन व्हाट एवर यू डूइंग लाइक आर्किटेक्चर डिप्लोमा बीटेक एनीथिंग, तो उसके उसी टाइम ना आपको कुछ सॉफ्टवेयर सीखने, ज्यादा नहीं सीखने हैं, कुछ सीखने हैं, बट उसमें हाँ ये है कि आप उसमें कुछ प्रोजेक्ट काम किए हो, ठीक. ये नहीं बस सीख लिए और कमांड देख लिए यूट्यूब से या फिर कहीं से भी, आप कुछ सीखे नहीं. अगर यूट्यूब से भी आप सीखिए, मैं मना नहीं, मैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर मैंने यूट्यूब से सीखे हैं, आप यूट्यूब से सीखिए बट उसका स्टूडेंट वर्जन आता है, वो आप जाके ऑनलाइन सीख के उसको डाउनलोड करके खुद से ही प्रैक्टिस कीजिए, बट उसमें कुछ कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट जरूर करो, ठीक. और वो जो भी आप प्रोजेक्ट करो ना वो अपने सीवी में मेंशन करो, और अच्छे से. ये नहीं कि बस मैंने लिख दिया आई हैव डन बैंक प्रोजेक्ट, ओके. जैसे मेरे पास बहुत सारी सीवी आती है, ऐसी बात नहीं है, बैंक प्रोजेक्ट एंड आई हैव डन ये प्रोजेक्ट, बस ऊपर के एक लाइन लिख देते हैं और बाकी कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक. लाइक आई हैव डन रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट, ये ऐसे नहीं करना चाहिए सीवी में. सीवी मेरे पास बहुत सारी आती है, मैं देखता हूँ और कुछ नहीं मेंशन करते हैं, तो बस ऑटोकैड लिख दिए, स्किल लिख दिए, रेमिट लिख दिए, लिखना ये सब लिख दिए, ठीक. अब जो भी प्रोजेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि अब जब सपोज दैट यू आर अप्लाइंग फॉर एनी कंपनी, ओके, यू आर सेंडिंग फर्स्ट योर सीवी, ओके, सो व्हाट दे नो अबाउट यू, इवन यू डोंट हैव एक्सपीरियंस, तो बस आप सीवी भेज रहे हो तो वो सीवी से ही तो आपको जज करेंगे कि हाँ आप कैसे हो, क्यों नहीं आपको सेलेक्ट करें. तो आप जो भी प्रोजेक्ट करो उसमें आई मीन मेंशन करो और नीचे डिस्क्रिप्शन लिखो, लाइक सपोज दैट कि आई एम डूइंग सम रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट, तो रेस्टोरेंट में वेंटिलेशन की भी प्रोसेस चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट चाहिए, तो ये सारा डिटेल उसमें नीचे मेंशन करो डिस्क्रिप्शन में, ये मैंने किया और इसका ये जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो भी पूरा डिटेल से पूरा अच्छे से लिखो, तो हाँ उसको जाना कि हाँ ये केवल बनाया ही नहीं, हाँ इसको मॉडलिंग ही नहीं, मतलब कुछ अंदर भी नॉलेज है, क्योंकि बस आप मॉडलिंग से तो काम नहीं चला सकते, हाँ पे आती है तो उसके लिए थोड़ा दिमाग भी चाहिए, कहीं लगा दिया पाइप, कहीं जाके बीम में टकरा गया, कहीं डक्ट में टकरा गया, आप पता नहीं है कहाँ से कौन जा रहा, तो वी हैव टू नॉलेज ऑफ इटसेल्फ. सो प्रोजेक्ट मेंशन करिए सीवी में, पूरा डिटेल अपना स्किल्स मेंशन करो प्रोजेक्ट, बट वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर फ्रेशर नाउ, सो यू शुड आई मीन मेंशन दैट प्रोजेक्ट विद द डिस्क्रिप्शन. Then I mean apply online, like say आप online apply कर सकते हैं Naukri.com से. मैंने तो Naukri.com से even I search on the Google like yeah this is इसमें मैं जाना है तो उसका HR का नंबर ढूंढता था, मैं कॉल करता था, during diploma मैं बता रहा हूँ, even sometimes they call me कि भाई इंग्लिश सीख लो पहले फिर कॉल करना, क्योंकि आप समझ रहे सबसे बात कर रहे हैं हम, बोल दिया हेलो हेलो, कुछ ऐसे बोले कि ऐसे कुछ करके बोल दिया भाई कह रहे हैं पहले इंग्लिश सीख लो फिर कॉल में. और LinkedIn पे भी, LinkedIn बहुत अच्छी साइट है, तो बहुत बच्चे लिंगडन के बारे में नहीं जानते, तो वहाँ पे भी आप अच्छी सी प्रोफाइल बनाओ, और जैसे अपना लिख रहे हो बीटेक, तो बीटेक में क्या किया उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दो, एजुकेशन जो भी किए हो, प्रोजेक्ट किए हो तो प्रोजेक्ट भी उसमें ऐड करो, और वहाँ पे जाके ना आप लोगों से कॉन्टेक्ट करो, भाई नहीं 100 लोगों को भेजो, ठीक है, एक दो तो कोई रिप्लाई देगा, कोई हाँ इतना तो रिप्लाई जरूर देते हैं कि हाँ सर करंटली वी डोंट हैव, मे बी इनके फ्यूचर में उनके पास हो, किसी और के पास हो, तो हम वो देखेंगे ना कि हाँ एक लड़का था पूछ रहा था. तो आप जाइए लिंगडन पे भी, वहाँ पे भी लोगों को रिक्वेस्ट भेजो, कुछ नहीं करना, वो एक्सेप्ट करे तो मैसेज में कुछ टाइप करके अपना, ऐसे नहीं कि आप तुरंत सीवी भेज दिए बस बस सीवी सेंड कर देते हैं लोग, देखता हूँ कुछ लिखते नहीं, अब हम इतना टाइम हम फालतू क्यों जाएंगे आपका सीवी देखने, ठीक. यू डोंट हैव एक्सपीरियंस ऑल्सो, मेरे पास इतने लोग इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी, मतलब मेरे पास नहीं मतलब कंपनियों के पास इतने लोग जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आप में कुछ तो यूनिक होना चाहिए ना, देन दे विल सेलेक्ट यू. तो फर्स्टली यू हैव टू लाइक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में कुछ भी, लाइक मैंने ये एजुकेशन किया, ठीक, मैंने ये प्रोजेक्ट किया, वो कुछ शॉर्ट में कवर लेटर टाइप समथिंग ऐसा कुछ लिखो और उसके साथ अटैच करो, जहाँ पे भी लिंक्डइन पे जाओ, जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप वो जितना भी शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन, एक बार बनाना लिखे फिर कॉपी पेस्ट बस करनी है कुछ नहीं, तो सीवी बनाया और वो एक बनाया फिर ईमेल में लिखो हायर सर, उसके बाद जो भी लिखना है वो जब टेस्ट कर दो,
ताकि वो सीवी देखने से पहले ये देख लेना, हाँ ये, फिर उसको अगर अच्छा लगे तो ऑब्वियसली वो जरूर क्लिक करेगा सीवी पे। लेकिन सीवी भेज देते हैं लोग और कुछ लिखते हैं नहीं, तो इतना टाइम किसी के पास है कि बस सीवी देखेगा? नहीं, ओके ओके सर, मैं समझ गया। मतलब सर बहुत ज्यादा अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आपने दी है कि सीवी एक्चुअली के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। यहाँ पर सबसे मेन चीज निकल के आ रही है, आपने जैसे बिल्कुल सही बोला सर, बहुत सारे स्टूडेंट सीवी बनाकर भेज देते हैं, डिटेल नहीं डालते उसके अंदर, इन्फॉर्मेशन नहीं डालते। तो आपने कहा कि बिल्कुल सर सीवी भेजने के बाद लिंक्डइन, सर आपने बिल्कुल सही बोला कि सर आपने सेकंड जो बात बोली वो बोला सोशल मीडिया के ऊपर लिंक्डइन बहुत ज्यादा सर यहाँ पर आज के जमाने के अंदर सर लिंक्डइन जैसी प्रोफाइल, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा मैटर करते हैं सर। हम सर सोशल मीडिया के ऊपर टाइम बिता देते हैं पर लेकिन सर लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर सर रिसर्च नहीं करते सर। बहुत सारी कंपनीज की इसको मेल के उनके एचआर को सर मेल करो, फोन कॉल करो, उनको व्हाट्सअप करो, वो सब चीज कर सकते हैं सर। वो सर कहीं ना कहीं पीछे पड़ना पड़ेगा मन लगे मतलब ये। और सर सीवी को कैसे अट्रैक्ट बना सकते हैं, कैसे यूनिक नेम उसमें डाल सकते हैं, तो ये जितने भी पॉइंट्स थे ना ये सब मैटर करते हैं। और यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जहाँ बिना एक्सपीरियंस के भी ले रही है, जैसे सर ने भी बात करी। Yes, I want to add something, okay? Yes, sir, sure, sure. कुछ पोर्टफोलियो मॉडलिंग एनीथिंग एल्स इन द बीटा एंड एनी सॉफ्टवेयर, तो उसमें क्या करो ना थोड़ा नीचे पोर्टफोलियो अपना टेस्ट करो, क्योंकि अभी फ्रेशर है ना तो वो नहीं जाना, ठीक है सॉफ्टवेयर आता है कुछ, जैसे रेस्टोरेंट का कुछ भी बिल्डिंग का, जैसे आप बैंक का ही प्रोजेक्ट किए हो तो उसका कुछ स्क्रीनशॉट लेके उसका फोटो उस वहाँ पे थोड़ा सा लगा दो, ठीक, ताकि वो हम तो देखे हाँ सच में ये काम किया है सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑन वन मोर थिंग, लाइक आप सपोज दैट आप डाल दिए, ठीक, अप्लाई कर दिए, ठीक, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आया, ठीक, आप गए तो कुछ बच्चे जाते हैं चले जाते हैं ऐसे बस, जो भी रैंडमली चले जाते हैं बस। नहीं, मेरे साथ ये था ना, मैंने काम किया था, ठीक, तो हम लोग को फाइनली में रेलवे का प्रोजेक्ट था, ठीक, एंड रेस्टोरेंट का भी मैं वहां पे किया था इंस्टीट्यूट पे, ठीक। तो मैं जब वहां पे गया ना, वो पूछे नहीं मुझसे, मैंने कहा मैं लैपटॉप लेके गया था, ठीक, और मैंने सर उनको खोल के दिखाया कि देखिए सर ये ऐसे ऐसे, मैंने पूरा अच्छे से प्रेजेंटेशन किया। फिर वो देखे हाँ ये तो काम मुझे भी कराना है, सिंपल, हाँ ये थोड़ा बहुत नहीं आता होगा तो सीख लेगा लड़का, ऐसा कोई कुछ नहीं है, क्योंकि सब सीखते हैं धीरे धीरे। तो आप जब भी जाओ इंटरव्यू देने ना, वो पोर्टफोलियो लेके जाओ, ठीक, लैपटॉप में अपने, और हमें पूरा अच्छे से 3D मॉडल में जैसे भी है उसको रिप्रेजेंट करो, ये ऐसे से इट्स लुकिंग लाइक दिस। आप किसी भी बैकग्राउंड से, इंजीनियर से हो, सिविल इंजीनियर से हो, आर्किटेक्चर से हो, जिस भी बैकग्राउंड से, जो भी प्रोजेक्ट की हो, जब इंटरव्यू हो तो लेके जाओ, वो कहे ना कहे लेकिन खुद से अपने कहो कि सर ये मैं आपका कुछ दिखाना चाहता हूँ प्रोजेक्ट, ये आप देख लीजिए, ठीक। दिखाने से उनको समझा हाँ ये प्रैक्टिकली तो काम किया ही है, फिर तो थोड़ा बहुत तो कोई भी सीख लेता है, इतना वो थोड़ी ना है। ये सर बिल्कुल डेफिनेटली सर, एक और बड़ा पॉइंट जो आपने बताया कि सर पोर्टफोलियो ले जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ओनली सर सीवी के अंदर लिख देते हैं सर टाइटल की मुझे लेवल रहता है, मुझे ऑटो के रहता है, पर लेकिन उस आने के बाद जो आपने काम किया आगे हो कि आपको बताना पड़ेगा, तब आगे वाला इंसान उसको रिलेटेबल समझेगा आपके काम को कि हाँ ये बंदा मेरे काम का है। वो चीज़ सर कहना कि आप बताना चाह रहे हो, बिल्कुल सर डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है सर। और पोर्टफोलियो सीवी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, ये चीज़ यहाँ पर बहुत बड़े मेन पॉइंट निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। और नंबर थर्ड की सोशल मीडिया, हमको बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को थोड़ा सर्च करना है, रिसर्च करनी है, राइट। इवन बच्चे क्या करते हैं ना, खाली प्लेसमेंट का बेस करते हैं, कॉलेज में आए प्लेसमेंट तो हो जाए, और इतनी कंपनियां तो आती नहीं है। मेरा तो फर्स्ट रिव्यू जो हुआ था ना, लाइक कॉलेज वाले टोल में कि लाइक यू हैव टू गो नोएडा एंड वहां पे कुछ कंपनियां आने वाली हैं, जिसको इसको जाना जाओ, ठीक। तो फिर हम लोग क्या ठीक है चलते हैं, तो मैं गया, ठीक, वहां पे गया ना तो बस कॉल सेंटर वाले जॉब कंपनी आए थे, ठीक, और कोई नहीं। अब क्या करें, गए थे तो इंटरव्यू देंगे तो बस कॉल सेंटर का इंटरव्यू दिए और चले आए रूम पे। हाँ ये हुआ कि कॉलेज में पता चला कि ही इज सेलेक्टेड, अब ये नहीं पता है कि लोग कॉल सेंटर में हुआ है कहाँ हुआ है कुछ नहीं, तो दैट दैट आई मीन खुद से ढूंढना पड़ता है फाइनली में जाके। 6 months पहले ना आप ढूंढना स्टार्ट करो, इजिली मिल जाएगा। ये सर डेफिनेटली सही बात, बिल्कुल सही बात बोली सर आपने कि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लेसमेंट के भरोसे ही रहते हैं, तो प्लेसमेंट की पता नहीं सर किस तरह की जॉब मिले प्लेसमेंट में, जो कि आपने बोला सर कॉल सेंटर वाली जॉब मिली आपके फ्रेंड्स को, उसने अच्छे खासे प्रोजेक्ट किए होने चाहिए, उसकी कमांड अच्छी होनी चाहिए सॉफ्टवेयर के ऊपर, उसके पास स्किल होनी चाहिए, ठीक है। मैं बात करता हूँ कि सर ऐसे क्या कोई मार्केट में कोर्सेज हैं जो कि सर अप्लाई करने से पहले ऐसी कोई कंपनी कोर्सेज मांगती हो कि यार आपने अगर बीम के ऊपर ऐसा कोई कोर्स किया है तो आप आ जाओ, ऐसे कोई कोर्सेज ऑनलाइन है ऑफलाइन है क्या सर, ये कोर्सेज का क्या है सर, ये थोड़ा एक्सप्लेन करें। देख हम सोचते हैं ना कि हम जाएंगे डायरेक्ट बीम में घुस जाएंगे काम करने, ठीक है, और बीम में करना स्टार्ट करें, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। इवन मैंने भी और जो भी ज्यादातर लोग स्टार्ट किए ना, सब लोग ऑटोकैड से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक। अरे जो बेसिक सॉफ्टवेयर होता है ना, अगर ये सोच रहे हैं ना कि हम पूरा सॉफ्टवेयर सीख लिए, ठीक, अलॉट ऑफ सॉफ्टवेयर दिखा, इतने कंपनी जितने भी साइट्स बेचते हैं सब ये सॉफ्टवेयर, वो बताते हैं ये सीख लो ये सीख लो ये सीख लो, आप पूरे कई सॉफ्टवेयर सीख लिए, ठीक, आपको नॉलेज कुछ नहीं है, ठीक। और उसके बाद से अप्लाई करना, सोचा हम ये सॉफ्टवेयर सीख लिए इतने सारे, अब कंपनी मुझे जॉब दे देगी, डायरेक्ट हम बीम कोऑर्डिनेटर बन जाएंगे और लगेंगे सबको डील करने, ऐसा कभी नहीं होने वाला, ठीक। आप कभी भी सीखो ना, एक दो सॉफ्टवेयर सीखो अपने फील्ड का, लेकिन ये सीखो कि उसमें मतलब हाँ परफेक्ट हो, कुछ भी दे दिया जाए 2D से 3D जो भी बना दूंगा, ठीक। अब फालतू में लोग देखते हैं, मेरे साथ के मेरे दोस्त ना दे हैव डन लाइक 50,000-60,000 का कोर्स वो कर लिया है, ठीक, कई सारे सॉफ्टवेयर। अब स्टेट प्रो एक आता है डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर होता है, yes, sir, yes, मेरे साथ के दोस्त ऑटोकैड भी सीखे, रेविट भी सीखे, स्टेट प्रो सीखे, और भी कुछ सारे सॉफ्टवेयर आता है डिजाइनिंग वो सीख लिए। और पता है कंपनियां कभी भी ना आपको ये स्टेट प्रो
डायरेक्टली आपको काम नहीं देगी, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है ना तो कभी भी इस सॉफ्टवेयर पे काम नहीं देगी। आपको पहले जाना पड़ेगा, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, मतलब रख लो, वो तो ऑनलाइन भी आप यूट्यूब से सीख सकते हो, जरूरी नहीं है कि जाके इंस्टीट्यूट से ही सीखे। बहुत सारी सॉफ्टवेयर आपको सीखना है तो उसका कमांड वमांड बेसिक आप यूट्यूब से कहीं भी सीख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बच्चे जाते हैं पूरा एक जितने भी लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं सब सीख लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना आपको, बस एक दो से तीन सॉफ्टवेयर सीखो, अच्छे से सीखो, ठीक, और उसके बाद से अप्लाई करना स्टार्ट करो, उसका प्रोजेक्ट हाँ मेंशन करो उसमें, जैसे मैंने बताया था सीपी में, अब बस वो उतना दो तीन सॉफ्टवेयर, मैं खुद बता रहा हूँ ना, ऑटोकैड और डेबिट मैंने बस सीखा था, और कुछ मुझे सॉफ्टवेयर नहीं आता था एक्स्ट्रा, ठीक, अभी तो मुझे काफी ज्यादा आते हैं, बट तब ना मुझे ऑटोकैड और डेबिट ही आता था और कुछ नहीं आता था, और उसी बेस पे मुझे जॉब मिला क्योंकि मैंने वहाँ पे मेंशन किया था, हाँ मैंने ये प्रोजेक्ट इस सॉफ्टवेयर में किया है और ये उसका डिस्क्रिप्शन जो भी डिटेल है वो मैंने मेंशन किया। तो दो तीन सॉफ्टवेयर सीखो, ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, एंड अप्लाई करो, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। डेफिनेटली सर, बिल्कुल सही बात बोलेगी सर, जैसे मार्केट में बहुत सारे सर इससे बहुत सारे सॉफ्टवेयर से 50-50, 60-60 हज़ार रुपये ले रहे हैं सर, बिल्कुल आपने सही बात बोली। और सर इतना ज़्यादा सर वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत नहीं है, एक से दो से तीन आपने बोला कि सर रेविट ऑटोकैड ये सब सर सबसे थोड़ा सर बेसिक है, इनको सर अच्छे से कर लो तो भी सर अपना अच्छे से काम हो सकता है। और सर डेफिनेटली आपने सर एक चीज़ बोली कि सर कंपनी सर डायरेक्ट आपको जाकर स्टेट प्रो या ऐसे सॉफ्टवेयर के ऊपर नहीं बिठाती, तो सर कंपनी में अगर लेट से मेरे पास से कोई एक्सपीरियंस नहीं है सर, मैं जीरो एक्सपीरियंस के साथ जा रहा हूँ, तो सर कंपनी मुझे क्या काम देगी सर? देखो शुरू में जैसे मैं बताया ना कि आपको डायरेक्ट स्टेट प्रो, तो स्टेट पे आपको काम नहीं दिया जाएगा, ठीक, आप जैसे ऑटो का डेबिट सीख लियो, ठीक, आपको जाओगे ना शुरू में उसी पे सिखाएंगे, अगर देखेंगे हाँ ये बंदा अच्छा है, वो एक दो साल काम किया वहाँ पे, ठीक है, इसको लग रहा है कि मैं सिखाऊंगा काम चल जाएगा, तो वो खुद ही ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, कंपनियां अपने पैसे से आपको ट्रेनिंग दिलवाती हैं, ठीक है, नया सॉफ्टवेयर की प्रोजेक्ट करवाती हैं लाइव, सीनियर होते हैं मेंटर जो भी होते हैं वो आपका हेल्प करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पैसे खर्च नहीं करने हैं, कंपनी में आप बस एक बार घुसना है एक दो सॉफ्टवेयर सीख करके, बाकी उसके बाद से कंपनी के ऊपर छोड़ दो, वो खुद ही पैसा खर्च करके आपको सिखाएगी अगर उसको जरूरत है तो, एंड वो देख लेगा हाँ ये सीख लेगा ये जो भी है अब, तो वो जरूर आपको ऊपर पैसा खुद ही इन्वेस्ट करेगी, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, आप शुरू में बस थोड़ा सा मेहनत कर लो, खुद कंपनी आप पे बिजनेस कर रही है। ओके मतलब सर खुद दो तीन सॉफ्टवेयर सीखकर कंपनी के अंदर जाना है, फिर कंपनी के ऊपर सर वही अपन को ट्रेनिंग देगी, वही अपन को आगे काम कराएगी, वही सब कराएगी। नेक्स्ट सर हम बात करते हैं कि सर अपने सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं सर, बीम क्या होता है, बीम कैसे काम करता है, क्या स्कोप वगैरह वो सब। अब सर मेन चीज के ऊपर आते हैं सर सैलरी के ऊपर, जो कि सर हर एक स्टूडेंट की सर रहता है सर क्वेश्चन की बीम में जा क्यों रहे हैं भाई, मुझे बहुत ज्यादा कमाना है, किसी को लाख कमाने 2 लाख कमाने सर, इंडिया में क्या सैलरी है रहती है, इंडिया के बाहर क्या रहती है? और सर एक होता है सर आउटसोर्सिंग सर, प्रोजेक्ट कोई कंपनी सर इंडिया की सर बाहर से प्रोजेक्ट लेकर आगे काम करती, तो सर ऐसे वाले एम्प्लॉइज को कितना मिलता है सर, सैलरी के बारे में कुछ बताओ सर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सर आज की जो व्यूअर्स को सर चाहते हैं सर ये चीज। तो इंडियन कंपनी में जैसे इंडियन में भी जो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एलएनटी बात, उसमें तो काफी अच्छा पैसे देते हैं, वो भी मतलब सिमिलर कम से कम 25 के तो देते हैं ये मंथली फ्रेशर को, ठीक, 20 के 25 के, बट जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ऑब्वियसली वो सैलरी बढ़ती जाएगी। और रही बात जैसे कि फ्रेशर की मैं बता रहा हूँ इंडियन कंपनियों की, बट अगर जैसे बाहर की एमएनसी कुछ कंपनियां हैं जैसे एकॉम हुआ, डब्ल्यूसी हुआ, जैकॉक्स हुआ, ये जो कंपनियां हैं ना ये फ्रेशर को भी ऐसी मतलब मिनिमम तो 27 के 25 के स्टार्टिंग में दे देगा की भी, ओके, बस ये ज़्यादातर तो फ्रेशर को हायर नहीं करती बट इतना तो दे देती हैं वो, ठीक, अगर जैसे आप किसी भी कंपनी में काम कर लो, ठीक, अगर आप एक इंडियन कंपनी में काम किए 2 साल, ठीक, क्योंकि एक्सपीरियंस लेके आप इसमें अप्लाई किए तो उसके बाद से सैलरी ग्रोथ अच्छी है इंडिया में, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन शुरू में थोड़ा है प्रॉब्लम, लाइक सैलरी कम मिलेगी, बट आपको जैसे जैसे सॉफ्टवेयर का नॉलेज हो जाएगा एक्सपीरियंस हो जाएगा सैलरी आराम से मतलब 4-5 साल में आराम से 50 के तो पहुंच ही जाएगा, ठीक। एंड रही बात की लाइक एमएनसी कंपनियों की जो बाहर से आगे कंसर्निंग जो आप बता रहे हो, तो ये भी ऐसे ही मतलब देती हैं रेंडमली, लेकिन काफ़ी अच्छा देती हैं इंडियन कंपनियों से, और वहाँ पे जैसे फ्रेशर अगर जा रहा है तो मैंने जैसे बताया 27 के तो 25 के मिनिमम रहता ही है, और जैसे जैसे आप 2-3 ईयर्स आई मीन आफ्टर कम्प्लीटिंग 3 ईयर्स ना इन एमएनसी 50 के तो हो ही जाएगा आपका, ठीक, मंथली। एंड अगर आप फ्यूचर जैसे यूएस यूके की बात करें तो वहाँ पे अगर जब ये सॉफ्टवेयर सीख के, ठीक है, प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस लेके आप चले जाते हैं यूके तो 3-4 लाख तो आराम से मिल ही जाएगा मंथली, वहाँ क्या मतलब कुछ, लेकिन वहाँ पे कॉस्टली थोड़ा होता है, लिविंग कॉस्टली होता है, 1 लाख रुपये आप खर्च ही कर देंगे वहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा स्कोप है, सैलरी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है पहले, बट ये बिफोर दिस लाइक सैलरी सो वी कैन डू इट लेटर, बट इसमें इंटरेस्ट जरूरी होता है, मतलब अगर आपको बीम में इंटरेस्ट है ना काम करने का, बीम में मजा आता है, थ्रेडिंग में, विजुलाइजेशन में, इन सब में, तभी इस फील्ड में आइए, अदरवाइज। ओके मतलब सर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। और सर सैलरी जैसे आपने बात करी सर मिनिमम अगर बात करें तो इंडिया में छोटी मोटी कंपनी भी आपको 30,000 तक दे देती है, और एक्सपीरियंस के साथ साथ वो 50-60-70-80 लाख तक जा सकता है, यही चीज़ है, ठीक है सर। और जितनी भी सर एमएनसीज है वो सर बाहर तो सर 2-3 लाख रुपये भी महीना दे सकती है, ये चीज़ और बोलने वाले पर, लेकिन सर सही बात है उनकी करेंसी के हिसाब से सर वो चीज़ वहाँ पर बैठती है, राइट? यस यस राइट। एंड पहले ना ठीक है आपको बीम में आना है, सैलरी मत देखो पहले, देखो क्या इंटरेस्ट हो, अगर इंटरेस्ट हो तो आओ, सैलरी बहुत है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है,
ऐसे आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो इस फील्ड में, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक आप यूएसए यूके से क्लाइंट से संपर्क करके ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट आती है उसके थ्रू आप वहां से भी ले सकते हो, तो आप प्रोजेक्ट कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इसको आप खुद का भी सॉफ्टवेयर आपको आता हो तो खुद का वो खुद कंपनी खोल सकते हो, वहां पे भी आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। तो इसको तो बहुत है सॉफ्टवेयर नॉलेज में। अच्छा, ये चीज आपने बहुत इंपॉर्टेंट ऐड करी कि सर फ्रीलांसिंग, जो आपने वर्ड यूज किया कि सर फ्रीलांसिंग के थ्रू अपनी कंपनी जरूर बना सकता है सर इंसान, और सर वो उसकी सर लिमिट नहीं होती सर। ये बात बिल्कुल सही है सर कि फ्रीलांसिंग के अंदर जो काम करता है, लेट्स से अगर आप फ्रीलांसिंग के अंदर काम स्टार्ट करते हो सर, आप बेसिक स्टार्ट करो तो सर आपको बहुत चीज आपकी धीरे धीरे सर इंटरनेशनल क्लाइंट बनने स्टार्ट होंगे। उसके बाद सर आप 2 से 3, 4 से 5 लोगों को हायर कर लोगे, अपनी खुद की टीम बना लोगे, उसके बाद सर आप आउटसोर्सिंग कर सकते हो, बाहर के प्रोजेक्ट लेकर आ सकते हो। तो सर चीजें बहुत सारी है, पर लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग आपने बोला सर, ये सर फ्रेशर के साथ ये सब नहीं हो सकता है। फ्रेशर के साथ आपको मिलकर थोड़ा स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी जरूरी है, धीरे धीरे टीम बिल्डअप करनी पड़ेगी, पहले खुद को थोड़ा एफर्ट मारने पड़ेंगे 2 से 3 साल, फिर टीम बिल्डअप करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल सही बात है सर। और सर ऑनलाइन वाला जो आपने ऐड किया कि फ्रीलांसिंग वाला बहुत, और सर मैंने चीज सुनी कि फ्रीलांसिंग के अंदर मतलब सर अनलिमिटेड सर, मतलब आदमी कितना भी काम कर अपने ऊपर है ना सर, ये सर कितना भी काम कर सकता है सर, सुबह दिन में रात को अपने लिमिट के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार काम करो और पैसा कमा सकते हो। बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल सही बात सर। ओके सर, तो बस हमारे जो भी बस अधिकतर जो चीज सर मेन मेन चीज हमने कवर करी, और आपकी तरफ सर कुछ और एक्स्ट्रा एड ऑन करना चाहोगे सर जो शायद मैंने आपसे नहीं पूछा हो तो सर आप बता सकते हो, ऐसे कोई इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट? इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि फ्रेशर ना जॉब ढूंढते हैं ना तो उनको स्किल्स नहीं होती, मतलब बेसिक सीखो, लाइक सॉफ्टवेयर स्किल्स सीखो, कम्युनिकेशन स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले ठीक है आपको सॉफ्टवेयर आता है लेकिन पहले वो रिप्रेजेंट करना तो आना चाहिए ना आपको, कि हाँ किसी को क्या मुझे ये आता है बताना तो चाहिए ना। तो पहले कम्युनिकेशन स्किल लाइक इंग्लिश हिंदी जो भी है, और बात करना हिंदी में ही बात करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, कैसे लोगों से बात किया था, कैसे रिप्रेजेंट किया था, ये सब लोगों के बीच में जाओ बोलो, ठीक है, लाइक कहीं स्पीच देना हो तो ऐसे डरो मत कि हाँ नहीं देंगे, बोलोगे तभी निकलेगा मुझसे, ठीक। तो कहीं भी कुछ भी हो रहा है ना इसमें पार्टिसिपेट करो, जैसे कॉलेज में ना एक्टिविटी जो भी होती है उसमें पार्टिसिपेट करो एंड सीखो, जो भी सॉफ्टवेयर है लोगों से बात करो जो उसे इंडस्ट्री के हैं, जैसे कि हाँ आपके आपके सीनियर तो होंगे, मतलब जिस कॉलेज में पढ़ते हो सीनियर से अगर उस फील्ड में काम गया है तो उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, किसी से भी, मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं भी हर जगह सोशल मीडिया पर अवेलेबल हूँ, ऐसा कोई दिक्कत आप इंटरव्यू दो, क्योंकि कंपनियाँ अगर स्किल पसंद आएगा ना तभी लेंगे, ठीक। तो कॉन्टेक्ट करो ऐसे ऐसे लोगों से एंड प्रिपेयर करो योरसेल्फ, दैट्स इट फॉर। ओके बिल्कुल सर, आपने लास्ट में एक और जो पॉइंट ऐड किया वो भी इंपॉर्टेंट है सर, कम्युनिकेशन स्किल। आपको सर टेक्निकल नॉलेज अच्छा खासा है, आपको सॉफ्टवेयर अच्छे से आते हैं, पर लेकिन आपको जो अपनी बात आगे वाले के सामने रखना नहीं आएगा तो सर वो कितना कराया करा जितनी मेहनत आपको वो आपको दिखाना भी तो पड़ेगी। तो आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सर ने एक और जो पॉइंट ऐड किया वो लैंग्वेज बैरियर, इंग्लिश हिंदी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको चाहे हिंदी आती हो पर लेकिन आपको बोलना अच्छा आता है तो आप निकाल लोगे, यही चीज है ना सर, डेफिनेटली। और इंग्लिश के अंदर ऐसा कोई जरूरी नहीं इंग्लिश बोलना, सर भी हिंदी मीडियम से पढ़ लेकिन सर आज इतना अच्छा पोस्ट, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और इतने बड़े डिजाइनर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपने ऊपर कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, आपको बोलना ना चाहिए, आपको खड़ा होकर अपनी चीजों को जो आपको आता है वो सामने वाले के पास रखना आना चाहिए आपको, वो वही ना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली सर। ओके थैंक यू सो मच सर आपको इस चैनल के ऊपर आने के लिए, अपना समय देने के लिए सर, और उम्मीद करता हूँ सर ये पॉडकास्ट इंटरव्यू सर जो कन्वर्सेशन किया है पॉइंट्स आने वाले की जरूर सर डेफिनेटली आने वाले जनरेशन को बहुत ज्यादा इंस्पायर करेंगे, और जिसका इंटरेस्ट जरूर सर इस फील्ड के अंदर आएगा। थैंक यू सो मच सर, आपको भी सर ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर सर, आने वाले समय के अंदर सर आप भी अच्छा खासा मचा के रखो सर, ठीक है सर, तो मिलते हैं अपन, थैंक यू सो मच सर, बाय बाय, थैंक यू सर। Thank you.